नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर अभय सर से बात करना चाहता हूँ। अभी थोड़ा 2 मिनट है 9 बजने में, तो 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर अभय सर, आपको कैसा लग रहा है लिक्विड डाइट करके? सर अच्छा लग रहा है। अभी आपका कितना दिन हो गया लिक्विड डाइट? अभी मैं तो कल से पूरा डाइट चालू किया है। तो वमन के पहले और वमन के बाद में आपको क्या बहुत बढ़िया है अभी। शुद्धि का फीलिंग आ रहा है? हाँ, स्किन कलर भी बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, वो घी खाए थे ना आपने? और भूख भूख भी अच्छी लगती है। सुबह शाम 6 बजे अच्छा के आसपास लगती है, 5 से 6 बीच में, और उसी टाइम खाता हूँ मैं, और सुबह 10 बजे के आसपास। हाँ, तो स्किन अच्छा हो गया आपका। स्किन भी और अच्छे हो, बाकी के भी भूख नहीं लगती थी पहले, अच्छे वो हो गई। अभी मैं कल परसों से फिर 100 ml 3 दिन घी खाऊंगा। बाद में आपका तीक्ष्ण विरेचन है, वो 3 दिन के बाद देखे उसका अलग हाँ, विरेचन दे लूंगा मैं। बहुत बढ़िया सर। ये सर हर साल आप मेरे पास आके करिए, आपका मैं करा नहीं, दूंगा। हाँ नेक्स्ट ईयर तो मैं ही रखता हूँ ना। यहाँ मैं हाँ इधर एक सीनियर मोस्ट इंग्लैंड से आए हुए डॉक्टर है, हाँ MBBS MD है, वो वहाँ पे हुए। हाँ वो रिहेबिलिटेशन सेंटर 2000 फीट का चालू कर रहे नासिक सिटी में। अच्छा उन्होंने अप्रोच किए, मोस्टली उधर ही ज्वाइनिंग करूंगा मैं, क्योंकि वो भी परसेंटेज में मेरे को देने वाली है इसीलिए। बाकी हाँ सुबह में उधर रहूंगा मैं, हाँ तो उस टाइम फिर अपना दो दो दिन तो भी दो जगह चलेगा वो मन हाँ करना चाहिए, हाँ ऐसा तो प्लान अच्छा है करें। ना? हाँ ना, वसंत ऋतु में करेंगे अपन, फर्स्ट हाँ ठीक वीक है, में वसंत ऋतु। फर्स्ट वीक में। हाँ, हाँ और ना हर वैद्य को खुद करना चाहिए सर वमन, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि घी पीने के बाद ये फील होता है, वो फील होता है। हर वैद्य को करना चाहिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। अभी आप मुझे कल परसों अपने सिम्टम बताए, फिर मैं आगे का दवाई बताऊँ। सिम्टम अभी कुछ नहीं है, कुछ भी तभी नहीं मुझे है। हाँ, पाचक वगैरह तो देना पड़ेगा ना, कोलेस्ट्रॉल अभी कितना है, एक बार चेक वो नहीं कराएंगे। चेक किया, वो चेक कर लो क्या सर? हाँ सर, चेक करके फिर मैं दवाई भेजूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे क्या क्या चेक करूँ बोलिए ना लिपिड प्रोफाइल कर बोल। लीजिए, और अच्छा एंजियोग्राफी कैसे कराएंगे, एंजियोग्राफी के लिए वो पूरा डाई छोड़ते हैं पूरा, अच्छा वो करवा सकते हैं तो पॉसिबल है क्या एंजियोग्राफी कराना? 17 एंजियोग्राफी 3 महीने के बाद कर सकते हैं, अभी तीसरा महीना चालू हो गया ना। हाँ, तो आप कर लीजिए ना, एक बार पता चलेगा कि वमन का इफेक्ट क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेजेस कैसा हुआ। अच्छा नहीं तो विरेचन होने के बात करिए सर, विरेचन हो के हाँ, एंजियोग्राफी करके, जब आपका अग्नि अग्नि सब अच्छा हो जाए उसके बाद एंजियोग्राफी करके भेजिए,
तो मैं उस हिसाब से आगे का बताऊंगा आपको कि क्या ठीक है करना है। सर, हाँ ठीक। सर, आपका चेहरा भी बहुत फ्रेश हो गया, बहुत अच्छे स्मार्ट लग। हाँ हाँ, अभी तो बहुत ये हो गया। और नींद भी आ रही है ना सर ठीक से, हाँ नींद आती है बहुत अच्छे से। और भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है। हाँ हाँ, वो पहले सर आपका स्ट्रेस की वजह से बहुत अग्निमन था, आम बहुत था। हाँ हाँ अभी हाँ 10 साल तो मेरा स्ट्रेस लाइफ ही गया पूरा, हाँ वो ड्यूटी में बहुत स्ट्रेसफुल था। हाँ ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बताइएगा, आप विरेचन करने के बाद एक बार टेस्ट करा लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए हाँ चलिए, हाँ थैंक यू। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, प्लीज शर्माइए मत। अभी कोई नहीं बोल रहा है, सभी शांत हो गए। डॉक्टर, सर जैसे हाँ सर, बोलिए। जैसे शोधन प्रक्रियाएं होती है ना, जैसे औषधियों की, जैसे कुचला की शोधन प्रक्रिया, या आपने एक बार भल्लातक की शोधन प्रक्रिया बताई थी, तो जी सर इस तरीके से अगर कोई लेक्चर्स हो तो, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर शेयर करें सर, पहले लिए गए हो अगर तो। हाँ शोधन प्रक्रिया पे औषधियों की सर, जैसे शोधन प्रक्रिया, जैसे अगर ऐसे तो सर हुआ है, कल्पाध्याय वगैरह हुआ है ना, चरक संहिता का, और हम लोग अष्टांग हृदय का टीका तो पढ़ ही रहे हैं। जी सर, अगर कोई अच्छा रिकॉर्डिंग्स में वैसे निकालने में मुश्किल पड़ेगा क्या, जैसे अच्छा हाँ, वो तो पूरा बताए, सारे कल्प बताए उसमें। हम लोग जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं उस पे मैं एक लेक्चर लूंगा। प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है, और थेरोटिकल, हमने तो थेरोटिकल पूरा पढ़ा है, नहीं था प्रैक्टिकल में वो सारा थोड़ी ना यूज करते हैं हम लोग। और क्या है ना सर, आप देखिए, वमन जिनको भी हुआ है उनके रिजल्ट देखे, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, किडनी फंक्शन ठीक होता है। मतलब शोधन से, भले वो वमन हो या विरेचन हो, या फिर बस्ती से शोधन होता है तो, या फिर आप ये देखिए फैटी लिवर है वो ठीक हो जाता है, और मोटापा, एक पेशेंट का तो 14 किलो वेट कम हुआ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका मैंने वमन कराया पूरा, 7 दिन स्नेपन वगैरह करा के, और 14 kg कम हुआ वेट, इतना बढ़िया रिजल्ट है। जी सर, पेशेंट एकदम खुश कि 14 किलो इतना फास्ट कम हो गया। तो ये सब सर करना चाहिए, बॉडी का क्लींजिंग होता है पूरा, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बहुत सारे वैद्य लोगों को कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, तो बहुत सारी शंकाएं रहती है, डर लगता है कैसे करें कैसे नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बहुत बार करना चाहिए। मैं तो 23 साल से कर रहा हूँ, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में नहीं देखा था, कॉलेज में नहीं सिखाते थे, मैंने अपने सर के पास देखा, जमद अग्नि सर के पास, फिर मैंने कराना शुरू किया, तो मुझे भी डर लगता था। वो कराते कराते 30,000 से ज्यादा पेशेंट का एक्सपीरियंस हो गया, तो सब अच्छा हो गया। वेरी नाइस। हाँ, अभी क्या है ना, मेडिसिन का डोज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम शोधन करा रहे हैं तो अगर डोज गड़बड़ हुआ ना, तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बीपी हाई हो जाता है, खून की उल्टी होती है, लूज मोशन खून का होता है, बहुत डिहाइड्रेशन होता है, इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसलिए अलर्ट, और इसीलिए डॉक्टर लोग डरते हैं इस ये सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से। फिर उसके बाद में संसर्जन क्रम, पेशेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। संसर्जन क्रम मतलब उल्टी होने के बाद 7 दिन तक लिक्विड पे रहना है, और वो नहीं फॉलो कर रहे और खा रहे हैं वड़ा पाव, चाय बिस्किट और ये सब कुछ भी खा रहे हैं, तो फिर तो वो बहुत ही तकलीफ हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना पड़ता है। जो लोग संसर्जन क्रम फॉलो नहीं कर सकते हैं, जिनके दिमाग में है कि हम खाना खाना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको नहीं करना चाहिए वमन वगैरह। इसलिए हम लोग अर्हता अनर्हता देखते हैं, मतलब कौन इंडिकेटेड है वमन के लिए, कौन किसका माइंड अच्छा है कि वो वमन ले सकता है, किसका नहीं। अभी चलिए हरिहर सर से बात करते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन रहे हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर शायद नहीं सुन रहे। डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन रहे हैं? नहीं। डॉक्टर प्रीति मैम, आपके वो पेशेंट को ठीक लग रहा है क्या? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कंचन मैडम जी, आपने वमन किया है क्या कभी? प्रणाम सर।
आपने नहीं सर, वमन किया है कभी? नहीं सर, वमन मैंने कराया नहीं और मैंने खुद भी नहीं किया कभी। आपने कभी मेरे पास है, मैं आपको वमन सिखा भी दूंगा और करवा भी दूंगा। जी सर, ये बात तो काफी आपने वमन दिखाया है सबको। सच में ऐसे अभी लग रहा है थोड़ा डेयरिंग करके करना चाहिए, पहले क्योंकि डर लगता है बस, बाकी कुछ नहीं। आप एक दो पेशेंट का देख लीजिए, आपका सारा डर निकल जाएगा। जी सर, पक्का करूंगी मैं सर ट्राई। हाँ, मेरे पास तो अब आज भी हुआ, दो लोगों का वमन हुआ, आप ही नहीं आ पा रही हैं। हाँ, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ना शेड्यूल ऐसे चल रहा है ना कि गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है बिल्कुल। मैं आज भी मैंने डिसाइड किया, मैंने फोन भी हाथ में लिया और पेशेंट का कॉल आ गया। फिर पेशेंट का कॉल आया तो मैं सुश्रुत संहिता वाला भी नहीं अटेंड कर पाई, पर मैंने उसका रिकॉर्डिंग अभी देख लिया, 8:30 बजे ही देखा मैंने। हाँ, वो अध्याय खत्म हो गया, वो भी आपके डिमांड पे हुआ था। हाँ सर, मैं वही सोच रही थी कि मैंने ही बोला और मैं ही नहीं अटेंड कर पा रही, पर ओ मैं उसकी तब वीडियोस मैंने देखे, जितने भी पेंडिंग थे मेरे मैंने पूरे देख लिए सर। अभी कल से नए नए टॉपिक पे होगा और हम सुश्रुत और ये सब बाद में करेंगे, अभी कुछ नए नए बीमारियों पे थोड़ा बात करना है जी सर, मेरे को। हाँ मतलब बोर भी नहीं होता है, बाकी लोगों को भी नहीं होता है, फिर हम बीच में चरक भी पढ़ेंगे, सुश्रुत भी पढ़ेंगे, और आप आपके कल्प वगैरह जो पढ़ाते हो ना वो भी हाँ अच्छा लगता है सर, क्योंकि वो बाकी सब लोगों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना सब चीजों में। हाँ मुझे फोन है क्या आप सुश्रुत पढ़ाने लगे? अभी कुछ लोगों को नहीं इंटरेस्ट संहिताओं में, समझ हाँ वो नहीं इंटरेस्ट। हाँ वैसे ही होता है, फिर जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, और जिनको फिर बाकी मेडिसिन वगैरह कल्प जैसे पढ़ाते हो आप, वैसे वो सब सुनने में अच्छा लगता है, तो हाँ ऐसे मिक्स करके पढ़ाते चाहिए, मतलब सबका हाँ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फिर। हाँ अभी मुझे एक सीरीज लेना है कि हर व्याधि में पथ्य पथ्य, मतलब शीत पित्त में क्या पथ्य पथ्य होना चाहिए, विसर्प में क्या होना चाहिए, रक्त पित्त में क्या, ज्वर में क्या होना चाहिए, एक पथ्य पथ्य का एक सीरीज मैं चलाऊंगा जो सभी को काम है, और उसका मैं पीडीएफ दूंगा, नोट्स भी दूंगा जो आपके पास हर रोज रहेगा। हाँ सर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये तो हाँ अभी जैसे जरूरी है। वेट लॉस का हमारे पास है कि वेट लॉस के लिए पथ्य, तो उससे फायदा होता है, इसी तरह से हर बीमारी का श्वास व्याधि में क्या पथ्य पथ्य, कॉमन पथ्य पथ्य नहीं, जो मैं बताऊंगा वो आज के युग के हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं आपको दूंगा हाँ आपका। बहुत ही अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए तो सच में बहुत अच्छा रहेगा ये। हाँ हाँ जी, मैंने सुश्रुत संहिता वाला वो हिता हितम पढ़ रही थी मैं, हाँ तो उसका ये हितकारी द्रव्य और अहितकारी द्रव्य उसमें सब दिया है ना, हाँ विरुद्ध भी दिया हुआ है, संयोग विरुद्ध कर्म विरुद्ध, तो हाँ वो पढ़ रही थी मैं सर, तो उसमें भी काफी अच्छा लगा पढ़ते समय, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ना ऐसे भूल जाते हैं, उसमें सब हाँ दिया हुआ है, मतलब कि जैसे हाँ आप बताते हो ना कि शहद गर्म पानी के साथ नहीं देना है, या फिर उसमें सब मतलब डिटेल्स हमें मिल जाते हैं, सच में वो हाँ पढ़ना चाहिए, संहिता पढ़नी चाहिए सच में, हाँ एक ही अध्याय तो रोज पढ़ना ही चाहिए, हाँ संहिता रोज पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना चाहिए। मतलब पेशेंट नहीं है तो हमारे पास एक बुक रखी होनी चाहिए, कोई भी संहिता हो तो हाँ हमारे पास होनी चाहिए, एटलीस्ट वो एक निकाले ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हाँ आप देखिएगा शशि तिवारी मैडम रोज पढ़ती हैं संहिता, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा कुछ बहुत अच्छी बात है ना। सर, सच में हाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी ये तनिका मैडम ने हैंड रेज किया है, तनिका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्ते मैम, प्रणाम मैम, बताइए। सर प्रणाम सर। सर एक केस आया है मेरे पास नया आज, उसके सर 3 फाइब्रॉइड है, एक 9 mm का है, एक 6 mm का है और एक 3 mm का है। फाइब्रोएडिनोमा है सर ब्रेस्ट में। अच्छा फाइब्रोएडिनोमा, हाँ जी, तो क्या हम लोग सर इसको ले सकते हैं तीनों को, या हाँ जो आप रिपोर्ट्स भेजिए, मैं थोड़ा देख के बताऊंगा उनका हेतु क्या मिला आपको, क्यों हुआ है। मैं सर हेतु मुझे कुछ मिला नहीं है सच, क्योंकि वो काम वाली और इतना जम के काम करती है, बस ये चाय पीती है ज्यादा, खाने के साथ चाय है बस, कितना और साइज का है, कितना साइज का है? सर वही एक 9 mm का है, एक 6 का है और एक आई थिंक 12 का है। यस, तो उनको क्या तकलीफ क्या होती है, मेंसेस के पेन सर, पहले पेन में? पेन पेन होती सर उनको, काफी पेन होती है उसके। अच्छा तो वो अभी बिनाएंगे ना, बाद में कैंसरस ना हो जाए? नहीं सर अभी तो बेनाइन है, फाइब्रो मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा था तो उसमें फाइब्रो एडिनोमा लिखा हुआ है, पर उन्होंने फ्नैक लिखने के लिए बोला है, क्योंकि पहले भी उसका हो गया था तो उसकी हाँ सर्जरी हुई थी। हाँ
चलो मैं इस पे तो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन मैं अंजना मैडम का सुनना चाहता हूँ। अंजना मैडम अगर आप हैं तो बताएंगी कुछ, आपके बनारस में क्या ज्ञान है इस बारे में। तनिका मैडम आप एक बार फिर से अंजना मैम को ब्रीफ करिए केस। मैम एक पेशेंट जी मैम, बोलिए मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। हाँ जी मैम, तनिका मैम आपका म्यूट हो गया, आपने ही खुद कर लिया। हाँ फिर से बोलिए मैम। हाँ जी मैम, अगर पेशेंट है 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, तो मेंसिस वगैरह की हिस्ट्री उसकी नॉर्मल है। मैंने उसको पूछा, 3 दिन उसको प्रॉपर आते हैं। और दूसरी बात है, उसको खाने पे भी मुझे कोई हिस्ट्री मिली ही नहीं है, तो वो सिर्फ चाय पीती है ज्यादा, बस 2-3 कप वही, और बाकी खाने में वो एक्चुअली लेबर क्लास है। तो वो जो पहली वाली ठीक हुई थी ना, उसने भेजा इसको। तो फिर उसने वो पेन बहुत होती है उसकी ब्रेस्ट में, राइट वाली ब्रेस्ट में काफी ज्यादा पेन है उसको, आर्म भी उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जो फिर मैंने उसको अल्ट्रासाउंड, सॉरी ये मैमोग्राफी करवाने के लिए भेजा था, तो उसमें जैसे 9 o'clock की पोजिशन पे है, 6 o'clock की पोजिशन पे है, और एक 8 o'clock की पोजिशन, ऐसे बनाया हुआ था पोजिशन पे लिखा हुआ है। और लिखा एक 12 mm का है, एक 9 mm की है, और एक 6 mm की है, ये साइज है उनका। तो अभी जो जी मेरे पास आई है, अभी मैंने उसको चेक वगैरह किया है, तो एक एक जो मुझे जो बड़े वाली साइज की है, तो वो मुझे स्वेलिंग और टेंडरनेस मिली है, अदरवाइज दोनों बाकी है, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी जी जैसे आपने बताया ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड पर भी ध्यान देना होगा, ब्रेस्ट के सपोर्ट पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और वही है जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वही काम है इसमें कि इसका एक पीरियड से ही रिलेशन होता है। प्री मेंस्ट्रुअल जो होता है, इसमें पेन बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेस्ट में जो होता है समटाइम्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है ना, उसमें हाँ जी हाँ हैवी, हाँ हैवीनेस, पेन, जी डिस्कम्फर्ट है ना नहीं, ब्रेस्ट में, तो वो ये कंप्लेन है क्या बिल्कुल? मैंने उसको पूछा था, मैंने पूछा था हाँ कि ऐसे तो नहीं होता कि तेरे को मेंसिस के पहले बढ़ जाती है, तो कहती है यस, उससे ज्यादा हो जाती है, जब मेंसिस आने वाले होते हैं तब ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये रहती है, मतलब मेरे को थोड़ी हाँ थोड़ी हाँ थोड़ी थोड़ी। हाँ वही मेरा मतलब, तो वो कुछ ना कुछ उसमें हैवीनेस लगेगी, कुछ इंक्रीज कर, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। तो उसको उस समय पहले जैसे सरवी पत्ते, पत्ते की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को बताएंगे भी, हम लोग को अच्छा लगेगा उसमें पढ़ के। तो यहाँ जनरली हम लोग पेशेंट को यही बोलते हैं, थोड़ा डाइट पे मेंटेन कराते हैं सबसे पहले। जैसे मेरा नेचर ये है कि मॉर्निंग में पेशेंट उठे और उसको सूर्य नमस्कार, नहीं तो कम से कम जो है ओम का जाप करे, वो है ना ओमकार का जाप जरूर कराइए, थोड़ा सा आसन कराइए और थोड़ा सा प्राणायाम कराइए। और उसके बाद उसको, क्योंकि वो भी एक तरह से श्रोत अवरोध हुआ है, तो उसी उसी पर लेकर हमें क्या करना होगा, अग्नि पर भी काम करना होगा। तो एक सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास जो मेन होता है कि हमें उसके लाइफ स्टाइल को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, हेतु को थोड़ा सा देखिए, और दीपन और पाचन पर थोड़ा सा फिर कंसंट्रेट हो जाइए, कैसे इसको मतलब क्या दिया जा सकता है, जैसे जो भी उसका उस समय वो ले पाए, जैसे रोदारी मष्टक आरगवत या फिर समथिंग त्रिफला भी काम करेगा, ऐसा नहीं है, जो भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग एक दीपक द्रव्य, और मुझे तो लगता है साथ में एक घृत हम मिला ही देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, तो अगर हम थोड़ा सा संस्कारित घृत भी बनवा सकते हैं, अगर पेशेंट बनाने को तैयार हो गए, नहीं तो फिर आप दाढ़ी मष्टक घृत भी दे सकते हो, या फिर कुछ नहीं तो पंचगव्य घृत, या फिर ये जो है आपका तिक्त घृत, कोई भी तिक्त रस प्रधान द्रव्य, पंच तिक्त महापंच तिक्त, उसके साथ में थोड़ा सा एक आसप चाहिए, चाहे हम उसमें जीरका दृष्टि दे रहे हैं इस समय, अरिष्ट ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा अलग चल रहा है यहाँ पे, तो अरिष्ट थोड़ा सा हल्का होता है, तो जीरका दृष्टि दे सकते हो, या फिर कुमारी भी काम करेगा यहाँ पे, कुमारी का आसप भी काम करेगा। इस तरह से देने के बाद फिर आप अरु शिकदुक वगैरह जैसे मैं बताती हूँ, वैसे मैं बहुत कॉमनली, क्योंकि मेरे पास पुअर पेशेंट बहुत आते हैं, तो यह तीसी एक होता है, अतसी जिसे हम लोग बढ़ते हैं, उसका पाउडर बनवा देती हूँ मैं, और उसको दूध के साथ उसमें थोड़ा सा घृत भी डाल के अगर पेशेंट पिएगी 2 चम्मच, 1 चम्मच अग्नि बल के अनुसार, वो बहुत फायदा करता है। और उसका लेप भी लगवा देते हैं अगर समटाइम्स पेशेंट मैम चाहे तो। किसका किसका है? अच्छी अच्छी पीसी अच्छी अच्छी ओके, अलसी जो जी, होती है। हाँ हाँ अलसी होता है ना, हम लोग उसमें तीसी बोलते हैं। साथ में जी वरुण, वरुण का भी रोल है, शिग्रू का भी रोल है ना, क्रव्याद का भी रोल है, क्रव्याद रस का। और अग्नि, इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा काशनार गुगुल बहुत अच्छा काम करता है ना। और साथ में जो है, मैं तो कभी कभी ये भी करती हूँ, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो सहजन यहाँ पे इस समय चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले तक सहजन बहुत अच्छे से चल रहा था, तो सहजन की जो फली या सहजन के जो पत्र है या सहजन का जो काढ़ा बनाना, कुछ कुछ विधि बताती हूँ। तो उसका जो छनित ऊपर से होता है, उसको क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कहती हूँ कि तेल, तेल के साथ उसको
अच्छे से कढ़ाई में भून के पेस्ट बना के उसका भी लेप लगाने से बहुत रिलैक्स हो जाता है पेशेंट को। और पुनर्नवा भी यहाँ काम करता है, जैसे पुनर्नवा चून है या पुनर्नवा आसव है, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंगली चलते हैं जो कॉलेज में हमारी ड्रग्स मिलती हैं, तो यह पुनर्नवा चून या पुनर्नवा आसव का भी मैंने रोल अच्छा देखा है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चलेंगी तो टाइम टेकिंग है, लेकिन रिलीफ जरूर मिल जाएगा पेशेंट को, क्योंकि साइज बहुत बड़े नहीं है। और लेकिन उसका जो है एक ब्रेस्ट सपोर्ट पे भी कंसंट्रेट करिएगा, लाइफ स्टाइल पे भी कंसंट्रेट करिएगा, डाइट पे कंसंट्रेट करिएगा, बाकी मेडिसिन अपना काम करेंगे, बाकी सर बताएंगे, सर तो है ही हम लोग के, अच्छे से बताएंगे। जी हाँ, मैम, मैं फ्नैक बोला है, फ्नैक बोला है, तो फ्नैक के लिए फिर अभी उसको मना कर दूं? वो क्या मैम क्या बोला आपने? जी हाँ, जो फ्नैक बोला है, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट जो बोला है, उनको फिर अभी इसके लिए एफ मना एन कर एस दूं? सी हाँ, एफएनएससी से थोड़ा सा वैसे एक दो बातें होती हैं, आप अगर चाहेंगे पहले तो उसका जो आपने कराया है ये अल्ट्रासोनोग्राफी कराया होगा ना, ये तो आपने जो रिपोर्ट हाँ जी, बता हाँ रहे जी, हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ उसमें ऐसा है, पेशेंट को बता दीजिए कि इतना बड़ा साइज नहीं है, लेकिन कराने से कोई नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि हम और आप दोनों में, हम भी और हमारा पेशेंट भी दोनों सेटिस्फाइड हो जाता है कि बेनाइन है, ये 100% बेनाइन ही होगा, अभी अभी कैंसरस नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि आजकल जो इतना बाद में मैम आपकी आवाज चली गई। अंजना मैडम की आवाज चली गई। जी, तो सर इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं? हाँ अभी आप जी, ये वाला ही करिए ना, मैं अभी बीच में बाधा नहीं डालूंगा, ये आप करिए ना। ठीक है। मैंने सर अभी आज उनको वो कांचनार स्टार्ट किया है, वृद्धि वाटिका वटी स्टार्ट किया है, रस पाचक दिया है और दशमूल दिया है। तो फिर हाँ, मैम ने वरुणादि, वरुण शीघ्रु आदि बोला है, और कांचना, ओ सॉरी, ये कुमारी आसा, तो ये दोनों और स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। और जो सहजन के पत्ते और उसमें तिल तेल का लेप डाल के उसको लेप लगवा देती हूँ, और कैस्टर ऑयल तो मैं बोल ही रखा उसको। ठीक है, ठीक है सर, मैं ऐसे करती हूँ। हाँ। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए मैम। ना ये फाइब्रोएडिनोमा के केस में भाव प्रकाश में जो है कैस्ट्रो का मतलब एरंड का बहुत बढ़िया उन्होंने बोला हुआ है कि एरंड पत्र से सेक करके एरंड का ही पत्र बांधना, तो ये भी साथ में लोकल में मैम कर सकते हैं। हालांकि अंजना मैम ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया हुआ है तो मैम उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट भाव प्रकाश का ये भी रेफरेंस है सर। जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर, प्रणाम सर। सर हाँ जी, बोलिए सर। AMH है एक पेशेंट का कम, तो सर उसमें क्या दवाइयाँ दें सर? क्या है सर, क्या है? AMH सर। AMH वैल्यू कम है, जी सर, जी सर। तो अंजना मैडम आप बताएंगी AMH बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनका, मैडम का सुने, फिर मैडम बहुत देर दिन के बाद आती हैं। अंजना मैडम आप बताएंगी AMH के लिए क्या देना चाहिए, एक बार केस हेलो जी सर, नमस्कार जी सर। हाँ, केस का थोड़ा डिस्कशन जरूरी है ना सर, केस के बारे में बताइए जी, स्ट्रिक्ट बताइए। हाँ शादी को 3-4 साल हो गए हैं मैडम, और प्रेगनेंसी नहीं आ रही। बाकी चीजें तो सब नॉर्मल हैं, सोनोग्राफी वगैरह, ब्लड टेस्ट में, और AMH का ही उसमें एक हेतु है कि थोड़ा कम आ रहा है मैडम। क्या क्या कराया है आपने इनका? BMI कितना होगा? उसमें 56, उनका बेड सर 56 मैडम, 60 के आसपास है। और CBC जी और कराया हाइट था मैडम। जी मैडम, हाइट हाइट सोनोग्राफी। हाइट 5 के आसपास मैडम, एवरेज। अच्छा हाँ, और आपने क्या क्या कराया? फॉलिकुलर स्टडी हुई है पेशेंट की, अभी वो नहीं कराई मैडम। और उसके अलावा क्या कहते हैं, HSG हुई क्या? नहीं, मैडम वो भी नहीं हुई मैडम। अच्छा, और अदर हार्मोन्स में थायराइड और प्रोलैक्टिन लेवल?
वो ठीक है मैडम, वो तो गायनिक के यहाँ कराए थे तो लाई थी रिपोर्ट, तो वो ठीक है, नॉर्मल ठीक है, तो पीरियड की हिस्ट्री क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है? है। कभी कभी रेगुलर रहे हैं मैडम, कम आता है, थोड़ा सा ही हिस्ट्री है, बाकी ठीक है। हाँ नहीं, एक होता है ना, मैं नान की एज नॉर्मल थी, थोड़ा सा एक बार डिटेल उसकी हिस्ट्री बहुत जरूरी होगी ना सर। खाली जी फॉर्मूला मैडम, से काम नहीं होता है ना, आयुर्वेद नहीं कहता है कि आप मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसके बाद अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम जनरली हमें यहाँ पे यही काम करना होगा कि हमें उसके बीज की कार्मुकता को बढ़ाना होगा, तो बीज की कार्मुकता तभी बढ़ेगी जब हम मंता अग्नि पे मतलब हम पूरा गृहिणी पे कार्य करेंगे, उसकी जो अग्नियां हैं पूरी हम तीनों अग्नियों के लेवल पे जाएंगे, जठराग्नि और उसके बाद हम जो जाएंगे भूताग्नि है ना और धातवाग्नि, जी सब पे हम लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे नस्य क्रिया भी यहाँ पे एक्टिव रहेगी, और जैसे मैं प्राणायाम की बात करती हूँ, ओम ओमकार की बात करती हूँ, क्योंकि हमें मेन हमें जो कमांडिंग सिस्टम है ब्रेन है उस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना होता, लीवर पे और गृहिणी पर भी थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा अग्नि को, थोड़ा सा अच्छे से दीपन पाचन के द्वारा उसको, और विरेचन, तीन काम हमें यहाँ पे मतलब अच्छे से करने होंगे और टाइम भी लगेगा। बस्ती भी यहाँ एक काम अच्छा कर सकती है क्योंकि योनि व्यापन में आएगा ये भी, तो बस्ती वायु का अनुगमित करेगी और बस्ती कार्य करेगी, दोनों बस्ती दे सकते हैं या फिर मात्रा बस्ती दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री ले आइए, या पेशेंट को या आप ले आइए, और पेशेंट की यहाँ हिस्ट्री हो जाएगी, मैडम लोग जी सब मैडम, हैं, जी हिस्ट्री हो जाएगी तो अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी सर, जी 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 मैडम, थैंक यू मैडम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, प्लीज ऐसे शांत मत रहिए, क्लिनिकल डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, शैलजा मैम कुछ बोलना चाहते हैं? वैशाली मैम बोलिए आप। जी सर, आज तो कुछ नहीं है ऐसा। जी ठीक है, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खाना खा के सो जाइए, फिर अब सुबह मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। या वेलकम करने की साइड।